दोस्तों आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं अपना रूम जो कि हमने नए तरीके से शिफ्ट किया है और 31 मार्च 2021 को मैंने शिफ्ट कर दिया था और हमारा मंथ जो यानी कि किराया देने का जो टाइम स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से। और इधर का मैंने एडवांस में किराया भी दे दिया और फिलहाल वहां से रूम हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि वहां रूम जो है काफी अच्छा नहीं था, पानी की दिक्कत थी, लेटरिन बाथरूम की दिक्कत थी, वहां पर ज्यादा लोग रहते थे जिस वजह से अगर हमें अभी जाना है तुरंत कहीं जाना है तो वहां पर सब बिजी 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 बहुत ज्यादा दिक्कत थी और वीडियो बनाने के लिए शोरगुल बहुत ज्यादा होता था। अभी यहाँ पर हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं बिना माइक के शूट करें काफी अच्छी आवाज आ रही होगी, हमने माइक को नहीं लगाया इसमें और काफी अच्छे तरीके से शूट कर पा रहे हैं। फिलहाल अभी आप लोगों को दिखाएंगे हमारा रूम कैसा है, रूम टूर कराएंगे जो कि आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा रूम कैसा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं, बाहर से अगर बिल्डिंग देखेंगे कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी और फिर अंदर की तरफ आएंगे कुछ गेट्स दिखाई पड़ेंगे इस तरीके से, बहुत ही अच्छा लगता है। सारे जगह यहाँ पर यानी कि ये बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से पत्थर, अंदर जो फर्श की लगी हुई है फर्श पर पत्थर लगा हुआ है और यहाँ पर साफ सफाई बहुत ही ज्यादा रहती है और पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा शांत वातावरण है, बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे जैसे पढ़ाई कर सकते हैं और वीडियो शूट कर सकते हैं, पास से ट्रेन निकलती है, ट्रेन की हम वीडियोस बना सकते हैं। तो पहले नंबर पर आप लोगों को दिखाना चाहेंगे अपने रूम का सीन। तो चलिए देखते हैं बाहर से कुछ हमारा रूम इस तरीके से दिखाई पड़ता है। चलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा और इस साइड में हमारी एक चेयर है और इस साइड में टेबल, इस साइड में बिस्तर लगा हुआ है इस तरीके से। पहले जहां पर रहते थे वहां पर तख्त हमारे पास था तो यहां पर तख्त की कोई जरूरत नहीं है। फर्श देख सकते हैं कुछ ऐसे हैं, यहां पर टाइल्स लगे हुए हैं और यहां पर पोंछा लगा दो 2-3 बार बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं काफी साफ सुथरी फर्श है तो कोई जरूरत नहीं है कि यहां पर बेड हो या चारपाई हो। हमारे पास एक चारपाई इसमें यानी कि हमको एक चारपाई मिल गई थी जब यहां पर रूम शिफ्ट किए थे, उसको उठा के हम बाहर डाल दिए क्योंकि हमें चारपाई की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर 2 लोग अभी रात के समय रुकते हैं पढ़ाई करने के लिए। और यहां पर कुछ हमारे पास 2 टेबल हैं इस तरीके से तो अभी खोलकर दिखाएंगे किस तरीके से, ठीक है। इस साइड में हमारे पास एक बड़ा सा बोर्ड है, इस पर हम लिख कर अच्छे से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस साइड में हमारा एक ट्राइपॉड है जिससे हम वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। और इस साइड में दूसरा एक दरवाजा है, दूसरे साइड में जा सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारा रहा बिस्तर और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर कुछ किताबें रखी हुई हैं, इस साइड में हमारे पास एक प्रिंटर है और नीचे देखेंगे अंदर तरफ एक बैटरा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम इनको हटा देते हैं, ये देखो फंस गई तो टेबल जो है स्लिप कर रही हैं, तो टेबल को कुछ ऐसे रख देते हैं। तो इस साइड में और प्रिंटर और इस साइड में कापियाँ किताबें हैं कुछ, ये जो हैं UPTET और CTET की हैं, ठीक है। और बाकी हमारा बैग, इस साइड में किताबें रखी हैं जो भी नोट्स बनाए हुए हैं और इस साइड में सामान रखा हुआ है, इधर टोपी और इधर सामान आप रख सकते हैं, हैंगर के जैसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है इसमें। और कुछ सामान डेली यूज वाला कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है बीच में और नीचे कपड़े रख सकते हैं। ये छोटी सी एक हमारे पास एक मशीन है जो कि चप्पल बनाने वाली मशीन थी, मैंने अपने हिसाब से बनवाई थी, मैंने बाहर से कहीं से नहीं खरीदी है इसको, ठीक है, अपनी डिजाइन से मैंने देखा था दूसरी और फिर बाहर जाकर मैंने बनवाया था पैसे देकर, ठीक है। इस साइड में सब्जी रखे हुए हैं और यहाँ पर 2 कप ये अभी लेके आए थे राजस्थानी के पास, एक शॉपिंग मॉल है वहाँ से, बाकी हमारे पास पहले से थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बर्तन हैं जो कि डेली यूज में आते हैं इस तरीके से हैं और इस साइड में सामान रखा हुआ है खाने पीने वाला थोड़ा सा। अभी हम शिफ्ट किए हैं तो थोड़ा एक अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए हैं कैसे कहाँ रखें। ये हमारा है कैमरा जो कि SG6 लीजेंट है, इसकी जो है पीछे की स्क्रीन टूट गई है, बाकी हमारा सामान ऊपर कह सकते हैं टांड जो फालतू का सामान होता है उस पर रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उस बोरी में हमारा रखा हुआ है कंबल, बाकी कुछ ऐसा दिखा पड़ा। ये रही साइड की विंडो खिड़की, ठीक है, उस पर हमने एक ट्यूबलाइट लगा रखी है तो ट्यूबलाइट देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने बांध रखी है, ठीक है। बाकी पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा है और शांत है इस साइड में। और इस रूम में जो है हमारे पास एक ये बोर्ड है और नीचे एक बोर्ड है और उस साइड में भी बोर्ड है, एक रूम में 3-3 बोर्ड हैं, आराम से उपयोग कर सकते हैं। आप लोग रूम बताइए कैसा है, ऑल ओवर व्यू दिखा देते हैं, ठीक है। ये बाहर से देखेंगे यानी काफ़ी दूरी से देखेंगे तो अलमारी इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी, सारी चीज़ें अलग अलग रखी हुई हैं, ठीक है। तो नीचे बिस्तर हो गया, अब चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अपनी मेज ये कैसी जो है
है, ठीक है। ये दो लोग हैं, एक है हमारे दोस्त हैं सत्येंद्र, वो भी शाम को आते हैं पढ़ने के लिए, तो रात में 12 बजे तक पढ़ते हैं। उसकी भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे कितने बजे तक पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग दिखाएंगे। ये मेज कुछ इस तरीके से लग जाती है, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छी है, और ये जो है मार्केट से हमको मिल गई थी 350 रुपये की, और मजबूती के साथ है, ये बहुत ही अच्छी है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो बड़ी मेज की ज़रूरत नहीं है, छोटी मेज है, काफ़ी बड़ी है, स्ट्रांग है, देख सकते हैं, ठीक है, बड़ी। तो इस तरीके से हमने दो ली थी, इस एक ये हो गई हमारी और एक इधर की हो गई। तो एक सत्येंद्र यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं। बाकी रूम देख सकते हैं, इस साइड में हमारा रहा इंतजाम पढ़ने वाला, जैसे कि नीचे बैठे बैठे थक गए, उसके बाद हम इधर आ जाएंगे अपनी बड़ी सी टेबल के ऊपर, ठीक है। ये काफ़ी पुरानी है, जब हम BSc कर रहे थे, ठीक है, जब BSc कंप्लीट कर रहे थे तब यहीं पर हम पढ़ते थे। दोस्तों 2014-2015 में इसी रूम में रुके थे, और उस समय पर हम BSc कंप्लीट कर रहे थे सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज, जो कि नेपालापुर में बना हुआ है, ठीक है। और फाइनल ईयर में हम घर से आए थे अप एंड डाउन में, और क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत थी, घर पर काम भी था, इसलिए हम घर से डेली बस से निकलते थे और वापस फिर चले जाते थे, मैजिक के थ्रू या अन्य कोई साधन मिल जाता उससे, ठीक है। तो 2014-15 में यहाँ रुके, और 2016 में हमारी BSc कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम 3 महीने के लिए चले गए, 3 महीने नहीं, हम गए थे तैयारी करने के लिए, यानी कि बैंकिंग की। और उस समय पर थोड़ी सी हमारी एज कम थी, तो हमने बैंकिंग की तैयारी जो है 2 से 3 महीने तक कंप्लीट की। उसके बाद BTCB के फॉर्म निकले, तुरंत हमने डाल दिया BTC में, फिर हमारा BTC फाइनल खैराबाद डाइट से कंप्लीट हो गया था। तो चलिए आप लोगों को पहले इसमें दिखा देते हैं, अपनी जहाँ पर रहते हैं और टॉप व्यू से अगर देखेंगे तो चारों तरफ का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है, और सारी बिल्डिंग्स दिखाई पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि हम ड्रोन उड़ा रहे हैं, इस तरीके से बिल्डिंग दिखाई पड़ती हैं। और सबसे टॉप वाली छत से अगर ट्रेन आती हुई को रिकॉर्ड करें तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन की वीडियो रिकॉर्ड होती है, ऐसा लग रहा है ड्रोन कैमरे से ट्रेन की वीडियो जो है रिकॉर्ड की जा रही है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को समय या हमको समय मिल जाता है, यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अच्छी तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं, रात में भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है, 4 मंजिल की बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, हमारा रूम कैसा लगा। और फिलहाल इस प्राइस की बात करें, 2000 रुपये पर हमारा रूम फिलहाल ये है, महंगा है कि सस्ता है, आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेटरिन बाथरूम बहुत ही अच्छा है अंदर, ठीक है, सारी ये सुविधाएं यहाँ पर हैं, फ्री माइंड से रह सकते हैं। बाहर का सीन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से है, वो भी सारा सब कुछ सीन आप लोगों को दिखाया, ठीक है, माहौल भी काफी अच्छा है। फिलहाल आप लोग बताइएगा इतने बजट में हमारा रूम सस्ता है या महंगा है, ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।